नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अर्पिता चावराई और आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष में मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। आज हम सब लोग स्वतंत्र देश के स्वतंत्रवासी हैं। हमें स्वतंत्रता मिली इसके पीछे बहुत से लोगों का हाथ है। आज मैं एक व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगी जिनका नाम आपने शायद ही सुना हो। उनका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे एक ब्राह्मणी परिवार से थे, इसीलिए उन्हें युवावस्था में ही अंग्रेजों की फौज में भर्ती होना पड़ा था। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैनिक थे। उस दौरान हिंदुस्तानियों पर बहुत जुल्म हुआ करते थे और तब सारे हिंदुस्तानी बहुत असंतोष थे अंग्रेजों से। और तभी अंग्रेजों ने एक नई कारतूस का आविष्कार किया था। उस कारतूस को हिंदुस्तानियों को छील कर बंदूक में डालना था और तब उन्हें पता चला कि वो कारतूस गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से बने थे और ये उनके धर्म भ्रष्ट होने का कारण था। वो सब और ज़्यादा असंतोष हुए और जब अंग्रेज़ों ने यह सबको बांटना चालू किया तब मंगल पांडे ने ही उन्हें इनकार कर दिया और कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। सिर्फ अकेले ही उन्होंने ऐसा किया। तकलीफ सबको थी लेकिन आवाज़ सिर्फ उन्होंने ही उठाई, ये जानते हुए भी कि इसका परिणाम बहुत घातक हो सकता है, उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन फिर भी उन्होंने आवाज़ उठाई और तब ऊपर से हुक्म आया कि इसकी वर्दी और बंदूक छीनी जाए। और तब जो अफसर उसकी वर्दी छीनने आया उसी अफसर पर उसने आक्रमण कर दिया। उसने आक्रमण से पहले बहुत से लोगों की सहायता मांगी लेकिन किसी ने भी कुछ नहीं बोला। अंग्रेज़ों के डर से किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की, लेकिन वो डरा नहीं, उसने अकेले ही उस पर आक्रमण कर दिया और उसे मार दिया। और तब उसने पूरे देश भर में विद्रोह फैला दिया और तब उसे फांसी की सजा सुनाई दी गई। और तब पूरे देश में विद्रोह फैला हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ। सिर्फ एक आदमी की वजह से उनका धर्म भ्रष्ट होने से बच गया, क्योंकि ये कारतूस इस्तेमाल करने में अंग्रेजों को घातक सिद्ध हुआ, तो इसीलिए उन्होंने उससे इस्तेमाल करना बंद करवा दिया। एक इंसान की वजह से सबका धर्म भ्रष्ट होने से बच गया और पूरे देश भर में विद्रोह भी फैल गया। मेरा सलाम है ऐसे लोगों को जो अपनी जान पे खेल कर दूसरों की जान बचाते हैं। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर सब हिंदुस्तानियों के बारे में सोचा कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसीलिए उसने ये आवाज़ उठाई। धन्यवाद।